अब तक हमने वर्क डन पूरा कंप्लीट कर लिया था, वर्क डन का पूरा कंपैरिजन पढ़ लिया था। अब आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है जूल थॉमसन इफेक्ट। तो होता क्या है जूल थॉमसन इफेक्ट, आओ देखते हैं इसको। तो जूल थॉमसन इफेक्ट, भाई जूल थॉमसन इफेक्ट जो था, जूल थॉमसन ने क्या कहा था कि एक गैस थी, जो वो गैस थी वो हायर प्रेशर पे रखी थी और उस गैस को एक पोरस प्लग के थ्रू लोअर प्रेशर पे डाला गया, लोअर प्रेशर पे उसको भेजा गया। तो हुआ क्या, एक्सपेंशन हुआ। तो ये जो सारा प्रोसेस था ये एडियाबेटिकली हो रहा था। तो वो क्या देख रहा था कि जैसे जैसे प्रेशर चेंज हो रहा है टेम्परेचर भी चेंज हो रहा था। क्या टेम्परेचर भी चेंज हो रहा था, तो वो प्रोसेस था वो एक आइसोइंथैल्पिक प्रोसेस हो गया। क्या ये प्रोसेस आइसोइंथैल्पिक हो गया। तो उसने इस पर एक एक्सपेरिमेंट किया, देखो एक्सपेरिमेंट क्या क्या देखते हैं। तो उसने क्या लिया, एक कंटेनर लिया और कंटेनर की जो वॉल थी वो एडियाबेटिक वॉल थी, कंटेनर की जो वॉल थी वो एडियाबेटिक वॉल थी। तो एक कंटेनर अज्यूम कर लेते हैं, तो ये जो बीच में है ये एक पोरस प्लग है। क्या है ये पोरस प्लग, यहां पे दो पिस्टन लगा दिए गए और जो इनिशियल था जो ये इस पार्ट में जो ये गैस भरी थी जो हम स्टडी कर रहे हैं आइडियल केस मान के कर रहे हैं, तो आइडियल गैस यहाँ पे भरी थी। तो आइडियल गैस का जो इनिशियली P1 V1 वॉल्यूम था एंड P1 प्रेशर था, जो इसमें टेम्परेचर था वो T1 था। जब हम धीरे से गैस को स्लोली स्लोली दूसरे इसमें पिस्टन पे अगर हम वर्क करते हैं, पिस्टन जैसे इधर इधर ले जाते हैं तो ये वर्क करने लगता है और गैस हायर प्रेशर से गैस लोअर प्रेशर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देती है। तो यहाँ पे जो इसका प्रेशर हो जाता है और वॉल्यूम हो जाता है P2V2 हो जाता है। और ये क्या पिस्टन वन, ये पिस्टन वन और ये पिस्टन टू। बात समझ में आई, जो ये बाउंड्री थी, जो ये बाउंड्री थी, ये बाउंड्री क्या थी एडियाबेटिक थी, ये बाउंड्री क्या थी ये एडियाबेटिक बाउंड्री थी। तो एडियाबेटिक वॉल में हमें पता है कि एडियाबेटिक में जो हीट होती है क्यू इक्वल टू क्या होती है जीरो होता है। तो इसमें जो चेंज इन प्रेशर आता है हमेशा जूल थॉमसन इफेक्ट में नेगेटिव आता है। तो हम लिख सकते हैं कि जो डीपी इक्वल टू क्या होता है नेगेटिव वैल्यू हमारी आती है। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि टोटल वर्कडन अब कितना हुआ, भाई वर्कडन एक बार इस चैम्बर में होगा, वर्कडन एक बार इस चैम्बर में होगा, तो डब्ल्यू नेट कितना होगा। तो डब्ल्यू नेट देखते हैं कि डब्ल्यू नेट कितना होगा, तो डब्ल्यू नेट, तो W net अगर इस चैम्बर की बात करूं तो क्या होगा माइनस P1 V2 माइनस V1 और V2 इस केस में क्या है जीरो। तो V2 माइनस V1 तो माइनस के P1, V2 क्या है जीरो माइनस के P1। तो वर्क डन क्या है, वर्क डन नेट नहीं है, वर्क डन फर्स्ट वाले चैम्बर में कितना आया माइनस के P1 V1, ये क्या हो गया प्लस का। अब बात करते हैं सेकंड वाले की कि सेकंड वाले में कितना वर्क डन आता है। तो W2, तो W2 कितना होगा माइनस के P2 V2 माइनस के V1। तो इस केस में क्या हो जाता है V1 जीरो हो जाता है और V2 पॉजिटिव रहता है। तो इस केस में वर्क डन कितना आता है P2 V2। तो ये हमारी क्या बन गई, दो इक्वेशन बन गई। तो जैसे कि हमें पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू होती है वर्क डन प्लस के हीट। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ क्या होता है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू क्या होती है डी क्यू प्लस के वर्क डन। और डी क्यू क्या है जीरो है क्योंकि एडियाबेटिक वॉल हम यूज कर रहे हैं। तो वर्क U2 क्या होगा U2 माइनस के U1 इज इक्वल टू वर्क नेट कितना होगा, तो वर्क नेट कितना होगा टोटल, तो वर्क नेट यहां से निकालने आते हैं। तो वर्क नेट कितना होगा W1 प्लस के W2। तो वर्क नेट W1 कितना हो गया P1 V1 माइनस के P2 V2। तो इक्वल टू हमें अगर यहां पे लिखना चाहे W नेट तो कितना आएगा P1 V1 माइनस के P2 V2। अब इस पोर्शन को P2 V2 को इधर ले आओ और U1 जो इंटरनल एनर्जी थी इसको उधर ले जाओ। तो हम क्या चेक करते हैं कि U2 प्लस के क्या बन जाता है P2 V2 इज इक्वल टू P1 V1 प्लस के U1। तो आपको याद होगा कि U प्लस PV क्या होता है एंथैल्पी होती है, क्या होती है एंथैल्पी होती है। तो इसकी जगह और इसकी जगह हम लिख सकते हैं कि जो इससे एंथैल्पी आएगी वो क्या आएगी H2 और जो इससे एंथैल्पी आएगी क्या आएगी H1। तो एंथैल्पी जो सिस्टम की थी वो क्या थी रिमेंस कॉन्स्टेंट थी। तो हम कह सकते हैं कि जो ये जूल थॉमसन इफेक्ट था ये एक आइसोइंथैल्पिक इफेक्ट था। क्या था एक ये आइसोइंथैल्पिक इफेक्ट था क्योंकि H2 इक्वल टू H1 आ रहा। तो हम इस केस में कह सकते हैं कि जो DH होता है जूल थॉमसन इफेक्ट में क्या होता है जीरो,
जूल थॉमसन इफेक्ट में डीएच क्या होता है, जीरो। तो चूंकि हमें पता है कि इंथैल्पी फंक्शन किसका होता है, प्रेशर और टेम्परेचर का, और इंटरनल एनर्जी फंक्शन किसका होता है, वॉल्यूम और टेम्परेचर का, तो हम एक एक्सप्रेशन निकालने की, भाई हमने ये प्रूव कर दिया कि जूल थॉमसन इफेक्ट एक आइसोइंथैल्पिक इफेक्ट था। भाई एक्चुअल में हुआ क्या था, जूल थॉमसन ने क्या किया था, एक गैस हायर प्रेशर पर रखी थी, उसको एक्सपेंड किया था लोअर प्रेशर की तरफ, तो उसने चेंज देखा था, एडियाबेटिक बाउंड्री लगा के उसने चेंज देखा कि ये प्रोसेस कैसा हो रहा है। तो जब उसने प्रोसेस किया तो उसे पता लगा कि जो ये प्रोसेस है भाई, ये आइसोइंथैल्पिक प्रोसेस हो रहा है, तो आइसोइंथैल्पिक प्रोसेस हो रहा है, तो यहां से उसने कोफिशिएंट निकाला जिसका नाम था जूल थॉमसन कोफिशिएंट। तो इससे एक बात और पता लग रही थी, वो जब गैस को हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर पे भेज रहा था तो टेम्परेचर चेंज देख रहा था, भाई या तो वो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा था, या फिर वो कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा था, या फिर वो कुछ भी इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर रहा था, मतलब न्यूट्रल कंडीशन में था। तो हम बात करते हैं इंथैल्पी से, स्टार्ट करते हैं कि इंथैल्पी से स्टार्ट करके, तो हमें पता है कि इंथैल्पी किसका फंक्शन होती है, इंथैल्पी किसका फंक्शन होती है, प्रेशर एंड टेम्परेचर का। तो स्टार्ट करते हैं भाई, भाई होता क्या है, एंथैल्पी फंक्शन होती है किसका, एंथैल्पी इज द फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। बात समझ में आई, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन ले लूं, dH इक्वल टू क्या होगा, डेल एच बाई डेल पी इक्वल टू डी पी एट कॉन्स्टेंट, टेम्परेचर प्लस के डेल एच बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट, प्रेशर इक्वल टू क्या होगा, डी टी। बात समझ में आए, क्योंकि ये एक आइसोइंथैल्पिक प्रोसेस है तो डीएच इस केस में क्या हो जाता है, जीरो, क्या हो जाता है, जीरो। तो इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, डेल एच डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू डी पी प्लस। तो ये चीज आपको कुछ जानी पहचानी लग रही होगी, ध्यान से देखो, चेंज इन एंथैल्पी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, हाँ ये हीट कैपेसिटी होती है, क्या होती है, हीट कैपेसिटी, ये क्या होती है, हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, कॉन्स्टेंट प्रेशर। तो इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं भाई Cp, क्या लिख सकते हैं इसको, हम Cp लिख सकते हैं, नहीं तो T, ये क्या आ गया, प्लस साइन, तो प्लस, तो डेल एच बाई डेल पी क्या बन गया, Cp, तो ये क्या हो गया, dT। बात समझ में आई, अब इसको उधर ले आते हैं, तो माइनस Cp dT इज इक्वल टू डेल एच डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू डी पी। तो अब करते क्या है, डी टी बाई डी पी इज इक्वल टू माइनस के वन बाई सी पी डेल एच डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, और ये क्या है, आइसो इंथैल्पिक। भाई चेंज इन टेम्परेचर विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन प्रेशर जो जूल थॉमसन से आया था निकल के, वो क्या है, एक आइसो इंथैल्पिक है। तो जो ये टर्म थी ना भाई, जो टर्म थी चेंज इन टेम्परेचर विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन प्रेशर एट कॉन्स्टेंट या एस आइसो इंथैल्पिक प्रोसेस था, इसको उन्होंने नाम दिया था म्यू जे टी, मीन्स जूल थॉमसन कोफिशियंट। क्या नाम दिया था इसको, जूल थॉमसन कोफिशियंट। तो जूल थॉमसन कोफिशियंट इक्वल टू हमारा निकल के क्या आया, माइनस के वन बाई सी पी डेल एच डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। बात समझ में आई, तो हमारा जूल थॉमसन कोफिशियंट निकल के यहां से जो आ रहा है, तो जूल थॉमसन कोफिशियंट म्यू जे टी से रिप्रेजेंट करते हैं भाई इसको, म्यू जे टी क्या हो गया, चेंज इन टेम्परेचर विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन प्रेशर एट कॉन्स्टेंट इंथैल्पी। तो ये जो कोफिशियंट आया निकल के क्या है, जूल थॉमसन कोफिशियंट, और इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या, इक्वल टू हम लिख सकते हैं वन बाई सी पी डेल एच बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। बात समझ में आई, अब हम डिफरेंट डिफरेंट स्टडी कर लेते हैं भाई, ये हमारा जूल थॉमसन कोफिशियंट निकल के आ गया। अब हम देख लेते हैं कि आइडियल के केस में जूल थॉमसन कोफिशियंट क्या होगा और रियल गैस के फॉर्म में जूल थॉमसन कोफिशियंट क्या होगा। तो एक याद करो जब आइडियल का केस कराया था मैं, आइडियल गैस इक्वेशन का जब केस कराया था, क्या फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन में और सेकंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन में कराया था, तो फर्स्ट हमेशा होता क्या है कि फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन भी और सेकंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन भी आइडियल गैस के लिए क्या होती है, जीरो। याद करो जब मैंने क्या कराया था, चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन वॉल्यूम एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, तो ये क्या था, इंटरनल प्रेशर, और आइडियल गैस के लिए क्या आ रहा था, जीरो। फिर एक दूसरी टर्म भी बताई थी मैंने कि चेंज इन एंथैल्पी विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन प्रेशर एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इक्वल
टू भी क्या आ रहा था, जीरो। तो ये दोनों केस क्या थे, आइडियल केस। तो आइडियल गैस के केस में होता क्या है कि जो ट्रम होती है ना, डेल बाई डेल एच इज रेस्पेक्ट टू चेंज इन प्रेशर एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, ये क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। ये क्या हो जाती है, जीरो। तो हम कह सकते हैं कि जो म्यू जे टी होता है किसके केस में, आइडियल के केस में, किसके केस में, आइडियल गैस के केस में। तो आइडियल गैस के केस में म्यू जे टी क्या होता है हमारा, जीरो होता है। अब बात कर लेते हैं किसकी, रियल गैस की। तो रियल गैस में भी मैं ये एक्सप्रेशन आपको पहले निकाल के दिखा चुका हूं कि डेल एच बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर आइडियल गैस के केस में क्या होता है, बी माइनस के टू ए अपॉन में आर टी। तो अगर मैं म्यू जे टी की बात करूं, क्या म्यू जे टी की बात करूं, किसके लिए, रियल गैस के लिए, किसके लिए, रियल गैस के लिए, तो होता क्या है, माइनस के वन बाई सी पी, और डेल एच बाई डेल पी आइडियल गैस के लिए क्या होता है, बी माइनस के टू ए अपॉन में आर टी। तो मैं लिख सकता हूं बी माइनस के टू ए अपॉन में आर टी। अगर मैं इस माइनस को अंदर ले जाता हूं तो अंदर ले जाने के बाद क्या आ जाता है, वन बाई सी पी टू ए बाई आर टी माइनस के बी। तो हमारा जो जूल कोफिशिएंट आया, जूल थॉमसन कोफिशिएंट आया, आइडियल के केस में जूल थॉमसन कोफिशिएंट क्या होता है, जीरो होता है, जबकि रियल गैस के केस में जो जूल थॉमसन कोफिशिएंट होता है टू ए अपॉन में आर टी माइनस बी होता है। भाई इसमें कंफ्यूज मत होना कि ये डायरेक्ट वैल्यू कैसे लिख दी, क्योंकि जब मैं तुम्हें फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन और सेकंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन कराई थी तो उसमें बताया था डेल एच बाई डेल पी कैसे निकालते हैं। तो जब तुम डेल एच बाई डेल पी टी इक्वल टू क्या होता है, टी वी टी पी, टी वी टी वी, तो जब उससे तुम निकालोगे एक्सप्रेशन तो क्या आएगा, बी माइनस के 2a अपॉन में rt आता है, और उस केस में आइडियल गैस के केस में क्या आता है, जीरो। तो जूल थॉमसन कोफिशिएंट आइडियल और रियल गैस के लिए हमने देख लिया कि होता क्या है। अब बात करते हैं कि कुछ डिफरेंट एक्सप्रेशन निकल आते हैं अगर इस एंथैल्पी को डेल एच बाई डेल पी टी की फॉर्म में और दूसरे में एक्सप्रेशन करें। भाई दो चीजें तो हमें पता लग गई कि म्यू जे टी इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन टेंपरेचर विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्रेशर इस आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस के 1 बाई सीपी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर चेंज इन एंथैल्पी विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेंपरेचर। तो अब बात कर लेते हैं कुछ डिफरेंट एक्सप्रेशन की। तो तुम्हें याद है मैक्सवेल स्क्वायर बॉक्स, तो चेंज इन एंथैल्पी क्या होता है, चेंज इन एंथैल्पी क्या होता है, भाई चेंज इन एंथैल्पी क्या होता है, भाई चेंज इन एंथैल्पी अगर मैं स्क्वायर ब्रोक बनाऊं तो क्या, सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड हे गौर अभी उठा ले, ठीक है, ये दो एरो आपको ये अच्छे से याद होगा, अब तक तो आपको इसकी प्रैक्टिस भी हो गई होगी। तो मैं डी एच लिखना चाहूं तो डी एच इक्वल टू यहां पे क्या होगा, टी डी एस प्लस के क्या होगा, वी DP, क्या होगा, TDS प्लस के VDP। अगर मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दूं बोथ साइड किससे, डेल पी से, किससे, डेल पी से, तो मैं लिख सकता हूं डेल एच बाई डेल पी इज इक्वल टू टी डी एस बाई डी पी प्लस के वी डी पी बाई डी पी। बात समझ में आई, तो ये हमारा एक्सप्रेशन यहां से कट के क्या आ जाएगा, भाई जब हम डेल पी से कर रहे हैं तो टेम्परेचर क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा, तो ये क्या हो गया, वन। तो डेल एच बाई डेल पी इज इक्वल टू क्या होगा, टी डी एस बाई डी पी प्लस के वी। बात समझ में आई, बी। तो म्यू जे टी इक्वल टू अगर मैं ये वैल्यू यहां पे पुट कर दू, कहां पे, ये वैल्यू अगर यहां पे पुट कर दू तो डेल एच बाई डेल पी क्या आ जाएगा, टी डी एस डी पी प्लस के पी वी। तो एक म्यू जे टी हमारे पास और निकल के आ गया, क्या कि म्यू जे टी जो हमारे पास था एक और निकल के आ गया, वो क्या हो गया, माइनस के वन बाई सी पी, क्या होगा, माइनस के वन बाई सी पी वी प्लस के टी डी एस बाई डी पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। बात समझ में आई, भाई डेल एस बाई डेल पी क्या है, एक वेरिएबल था जो हम पार्शियल फॉर्म में डेरिवेटिव निकाल रहे थे रिलेशनशिप मैक्सवेल रिलेशनशिप, तो ये क्या था, तो ये क्या है, एस एंट्रोपी चेंज इन एंट्रोपी विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन प्रेशर एट कॉन्स्टेंट क्या टेम्परेचर। तो एक एल बन रहा था भाई, ये एल बन गया, तो इसका अपोजिट एल कौन सा होगा, इसमें ये होगा। तो अगर इसकी जगह मैं चेंज करना चाहूं मैक्सवेल पार्शियल डेरिवेटिव रिलेशन को, एक दूसरी टर्म से रिप्लेस करना चाहूं तो क्या आ जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। प्रेशर क्या है, टेल की साइड है, तो इस साइड में क्या आ जाएगा, नेगेटिव। अगर मैं मैक्सवेल इक्वेशन से निकालू, क्या मैक्सवेल से, मैक्सवेल रिलेशन से निकालू तो डेल एस बाई डेल पी
डेल एस बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, और ये टर्म क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो इसकी जगह डेल एस बाई डेल पी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ ये भी, तो हमारे पास जो म्यू जे टी के है क्या डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फॉर्मूले निकल के आए, भाई ये देख लिया आइडियल गैस के लिए और रियल गैस के लिए क्या क्या होता है, जूल थॉमसन कोफिशियंट, ऐसा आंसर क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, आपको न्यूमेरिकल दे देगा ए और बी और टी की वैल्यू दे देगा, और सीपी के लिए आपको क्या क्या चाहिए, सिर्फ गैस का पता होना चाहिए कि वो मोनो एटोमिक है या फिर डायएटॉमिक गैस है। बात समझ में आई? तो अब देखते हैं कि म्यू जी टी के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म कैसे निकल के आते हैं। तो म्यू जी टी क्या हो गया भाई, म्यू जी टी की फॉर्म निकल के ये आ गई। दूसरा यहां से जब तुम डीएलएस बाय डीएलपी विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू टेंपरेचर यहां पे पुट करोगे तो म्यू जी टी हमारा निकल के क्या आएगा, तो म्यू जी टी हमारे निकल के क्या आएगा, माइनस के वन बाई सीपी वी माइनस टी डेल एस बाई डेल पी की जगह क्या कर दोगे तुम, डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। तो एक बात तुम ध्यान नोटिस करने की हो तो ये इक्वेशन क्या थी, वी टी ये इक्वेशन क्या थी, सेकंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ही है जो कि इसका एक्सप्रेशन है। अगर मैं डेल एच डेल पाई पी को डायरेक्ट भी लिख सकता था सेकंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन से तो तुम कंफ्यूज हो जाते, इसलिए मैं क्या किया इसका डेरिवेटिव करके दिखाया कि डेल एच बाई डेल पी को अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं। तो म्यू जी टी की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आई, चार पांच वैल्यू निकल के आई। सिंपल अगर म्यू जी टी मैं निकालू तो म्यू जी टी क्या होता है, रिस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर विद रेस्पेक्ट टू प्रेशर at isoenthalpic process equal to minus 1 by Cp del H by del P at constant temperature equal to क्या हो सकता है, minus K1 by Cp V minus T del V by del T at constant pressure। अगर मैं इसको partial derivative form में entropy की form में भी लिखना चाहूं तो एक expression ये बन जाता है। तो कुल मिला के हमारे पास mu jt के कितने expression आ गए भाई, एक तो ये होता है mu jt, second ये, third ये value, fourth ये वैल्यू। तो आपको एग्जाम में इन चार पांच वैल्यू में से कोई भी एक क्वेश्चन गिवन होगा, म्यू जी टी पूछ लेगा कि म्यू जी टी क्या होता है, तो म्यू जी टी का सिंपल सा तुम्हें एक फंडा याद रखना है, ये लाइन म्यू जी टी की क्या लाइन रखनी है, बस ये लाइन याद रखनी है कि चेंज इन टेम्परेचर विद रेस्पेक्ट टू प्रेशर इज आइसोएंथैल्पिक, इसको क्या बोलते हैं, जूल थॉमसन कोफिशिएंट बोलते हैं। बाकी जो डिफरेंट डिफरेंशियल वेरिएशन निकाले हैं इन्होंने, बाकी सबसे रिलेशन निकाले हैं भाई, ये क्या है, ये एक्सप्रेशन किसका है, ये सेकंड इक्वेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का रिलेशन है। तो इतनी बात समझ में आई कि जूल थॉमसन कोफिशिएंट होता क्या, इसका एक्सप्रेशन क्या होता है। बात समझ में आई? अब बात कर लेते हैं किसकी, अब बात कर लेते हैं कंसेप्ट ऑफ हीटिंग कूलिंग एंड नो इफेक्ट, हीटिंग कूलिंग एंड नो इफेक्ट। तो म्यू जे टी क्या था, चेंज इन टेम्परेचर विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन प्रेशर। तो म्यू जे टी क्या था, चेंज इन टेम्परेचर विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन प्रेशर इज आइसोएंथैल्पिक। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो जूल थॉमसन जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट में हम पढ़ते हैं तो इसमें जो चेंज इन प्रेशर होता है वो हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्या होता है, हमेशा नेगेटिव होता है। अब इफेक्ट देखो भाई, मैं क्या बनाया था, जूल थॉमसन कोफिशिएंट में दो चैंबर बनाए थे, एक में P1 V1 था, एक में P2 V2 था। तो सपोज करो जिसमें P1 V1 था, बना देता हूं फिर से, जिसमें P1 था V1 था, यहां क्या है P1 V1 और यहां पे P2 V2। तो यहां पे सपोज करो कि टेम्परेचर T1 है और यहां पे टेम्परेचर क्या है T2। भाई कंडीशन तीन हो सकती है, कंडीशन इस टेम्परेचर की तीन हो सकती है, या तो ये कि इनिशियल टेम्परेचर था जब हमने प्रेशर को रिलीज किया यहां से, जो इनिशियल टेम्परेचर था T1 केस फर्स्ट जो T1 था वो ग्रेटर देन किससे हुआ, T2 से। वाली बात समझ में आई भाई, T1 ग्रेटर देन हुआ T2 से। सेकंड केस क्या हुआ, सेकंड केस जो हमारे पास निकल के आया वो आया कि जो T2 था वो ग्रेटर देन हुआ T1 से। बात समझ में आई? तीसरा केस जो निकल के आया भाई, जो टेम्परेचर था आफ्टर जो सब कुछ कर लिया, जो थॉमसन ने गैस को एक्सपेंड करा दिया दूसरे चैम्बर में, तो उसने टेम्परेचर देखा कि आफ्टर जो उसने रिजल्ट निकाला तो T1 इक्वल टू T2। तो जो थर्ड केस निकल के आया इसमें क्या था कि T1 इज इक्वल टू क्या है,
T2 है। तो इन तीनों केस को हमें पढ़ना है कि अगर टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर हाई था तो तब क्या होगा, अगर फाइनल टेम्परेचर हाई था तो तब क्या होगा, अगर तीन दोनों इक्वल हो गए तो तब क्या होगा। अब बात करते हैं इसके, अगर इनिशियल टेम्परेचर हाई था तो म्यू जे टी क्या होता है, तो म्यू जे टी होता है चेंजिंग टेम्परेचर, तो T2 माइनस के T1 डीपी क्या होता है नेगेटिव, तो T2 क्या है T1 नेगेटिव है, तो ऊपर से क्या आ जाएगा, तो म्यू जे टी इस केस में क्या आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा, सॉरी नेगेटिव आ जाएगा, सॉरी T2 माइनस T1 भाई T1 क्या है ग्रेटर देन है, तो ऊपर से क्या आएगा नेगेटिव वैल्यू, और डीपी हमेशा क्या होती है नेगेटिव, तो हमारा जो म्यू जे टी आएगा वो क्या आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा ये पॉजिटिव आएगा। तो जब ये पॉजिटिव आ जाएगा तो ये कैसे इफेक्ट शो करेगा, कूलिंग इफेक्ट शो करेगा, कैसे इफेक्ट शो करेगा ये कूलिंग इफेक्ट शो करेगा भाई, ये कैसा इफेक्ट शो करेगा कूलिंग इफेक्ट, ये कूलिंग इफेक्ट शो करेगा। बात समझ में आई, जब सेकंड केस की बात करते हैं, सेकंड केस में क्या है कि टी फाइनल जो T2 है वो ग्रेटर देन T1 था, तो इस केस में जो म्यू जे टी हो गया, म्यू जे टी क्या हो गया, तो म्यू जे टी चेंज इन टेम्परेचर, तो ऊपर क्या आ गई पॉजिटिव वैल्यू आ गई T2 माइनस T1, नीचे क्या आ गई नेगेटिव वैल्यू, तो ओवरऑल जो म्यू जे टी आया तो म्यू जे टी क्या आया नेगेटिव आया, तो इस केस में वो एक हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, क्या एक हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, क्या प्रोड्यूस करेगा हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। अगर सपोज करो T1 T2 हो गया तो इस केस में होगा क्या कि जो म्यू जे टी होगा वो इक्वल टू जीरो हो जाएगा, किस केस में, जब इनिशियल T1 और इक्वल टू T2 हो जाएगा तो म्यू जे टी हमारा क्या हो जाएगा इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं अगर T1 T2 इक्वल टू जीरो, तो एक केस तुमने पढ़ा था रियल गैस के केस में, तो इस केस में जो टेम्परेचर होता है रियल गैस आइडियली बिहेव करना लगती है, तो भाई जीरो जब म्यू जे टी जीरो हो जाता है तो होता क्या है कि जो रियल गैस है वो आइडियली बिहेव कर ले लगती है, और इस पे कंसेप्ट निकल के आता है एक इन्वर्जन टेम्परेचर का, किसका कंसेप्ट निकल के आता है इन्वर्जन टेम्परेचर का, द टेम्परेचर एट विच रियल गैस बिहेव्स आइडियली, क्या इन्वर्जन टेम्परेचर का, इन्वर्जन टेम्परेचर का, तो इन्वर्जन टेम्परेचर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, TI से रिप्रेजेंट करते हैं, TI से इन्वर्जन टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो TI होता क्या है द टेम्परेचर एट विच रियल गैस बिहेव्स आइडियली। तो ठीक है, अब हम म्यू जे टी का फॉर्मूला लगा लेते हैं, तो म्यू जे टी इक्वल टू होता क्या है माइनस के 1/CP, तो रियल गैस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, जो हमने डेल एच बाई डी निकाला क्या था B-K2A/RT भाई, ये क्या था रियल गैस के लिए निकाल के आया था ना डेल एच बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, तो ये क्या था 2A B-2A/RT, तो म्यू जे टी क्या है T1 इक्वल टू T2, तो म्यू जे टी क्या है हमारा जीरो, तो इक्वल टू क्या होगा माइनस के 1/CP B-K2A/RT, आर तो हमारा ठीक है, और ये टेम्परेचर कौन सा बनेगा, ये टेम्परेचर TI से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको क्या बोलते हैं इन्वर्जन टेम्परेचर, इसको क्या बोलते हैं इन्वर्जन टेम्परेचर, जब CP को इधर ले जाते हैं जीरो हो जाता है तो हमारा ओवरऑल क्या आ जाता है यहाँ से देखो, तो ओवरऑल इक्वल टू हमारा आ जाता है BA=2A/RTI, तो TI इन्वर्जन टेम्परेचर क्यों होता है टू ए अपोन में आर बी, तो इन्वर्जन टेम्परेचर जो हमारा निकल के आया यहां से जूल थॉमसन कोफिशिएंट से क्या है TI = 2A/RB, बात समझ में आई। तो ये हीटिंग इफेक्ट कूलिंग इफेक्ट और ये नो इफेक्ट, भाई T1 = T2 होगा तो इस पे क्या इफेक्ट होगा नो इफेक्ट, कैसा नो इफेक्ट, तो नो इफेक्ट, बात समझ में आई। अब बात कर लेते हैं किसकी, कि इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे टाइप के आते हैं जूल थॉमसन कोफिशिएंट से, भाई जूल थॉमसन कोफिशिएंट से हीटिंग इफेक्ट की कंडीशन पूछ सकता है, कूलिंग इफेक्ट की कंडीशन पूछ सकता है, इन्वर्जन टेम्परेचर पूछ सकता है कि इन्वर्जन टेम्परेचर क्या होता है, इन्वर्जन टेम्परेचर में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, टेम्परेचर जो ये इन्वर्जन टेम्परेचर थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर है, इससे अलग तुमने दो टेम्परेचर और पढ़े होंगे क्रिटिकल टेम्परेचर एक बॉयल्स टेम्परेचर, तो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है 8A/27RB और TB = क्या होता है A/RB, तो इन तीनों टेम्परेचर को मैं लिख देता हूं ताकि आप आगे कंफ्यूज ना हो। तो इतनी बात समझ में आई कि हीटिंग इफेक्ट और कूलिंग इफेक्ट कब कब होगा, तो अब देख लेते हैं कि हीटिंग इफेक्ट एक बार फिर से समरी में देख लो कि हीटिंग इफेक्ट कब होगा, भाई हीटिंग इफेक्ट तब होगा जब तुमने
प्रेशर को हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर पे रिलीज किया और हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब जो टी फाइनल था वो ग्रेटर आया। जब टी फाइनल ग्रेटर ज्यादा आएगा तो वो एक हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, उस केस में जो म्यू जेटी होगा वो नेगेटिव होगा। हमेशा याद रखो म्यू जेटी क्या होगा, उस केस में नेगेटिव होगा। अगर तुमने गैस को हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर पे भेज दिया और उसके बाद जो फाइनल फाइनल जो टेम्परेचर था टी टू वो कम था टी वन से, तो वो क्या एक कूलिंग इफेक्ट ही तो प्रोड्यूस कर रहा था वो, तो उस कूलिंग इफेक्ट में म्यू जेटी की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। म्यू जेटी की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। थर्ड केस आता है, अगर सपोज करो तुमने गैस को भेज दिया, गैस को हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर पे भेजा, जो टेम्परेचर था आफ्टर सम टाइम दोनों का कांस्टेंट था, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने उसमें मटेरियल लिया था रियल गैस है जो भी था, तो रियल गैस क्या थी, आइडियली बिहेव कर रही है इस टेम्परेचर पे, क्योंकि टेम्परेचर दोनों कंटेनर में क्या हो गया, सेम हो गया। तो उस केस में हम नया कंसेप्ट निकालते हैं इन्वर्जन टेम्परेचर। तो इन्वर्जन टेम्परेचर होता क्या है, द टेम्परेचर एट विच रियल गैस बिहेव्स आइडियली। तो टेम्परेचर निकाल लेते हो, टी आई इक्वल टू क्या होता है, टू ए अपॉन में आर बी। तो इस केस में जब म्यू जेटी जीरो होता है, ना तो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है और ना ही कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, न्यूट्रल रहता है, सेम टू सेम। बात समझ में आई, तो अब बात कर लेते हैं। देखो इन टेम्परेचर में कंफ्यूज ना होना, एक टी आई होता है, एक टी बी होता है और एक टी सी होता है, लिख देते हैं तीनों के एक साथ। बात समझ में आई, तो क्या होता है भाई, एक होता है टीबी, टीबी क्या होता है, बोयस टेम्परेचर। तो बोयस टेम्परेचर क्या होता है, ए अपॉन में आर बी। बात समझ में आई, एक होता है टीसी, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर भी होता है, क्रिटिकल वॉल्यूम भी होता है, क्रिटिकल प्रेशर भी हो रहा है। उस गैसेस स्टेटमेंट में नहीं जा रहा, मेरा कंसेप्ट सिर्फ यहाँ पे टेम्परेचर समझाने है कि आप टेम्परेचर में कंफ्यूज ना हो। इन्वर्जन टेम्परेचर की जगह आप ये फॉर्मूला ना लगा दो। तो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, 8A अपॉन में 27RB। बात समझ में आई। फिर थर्ड आता है कौन सा, इन्वर्जन टेम्परेचर, इन्वर्जन टेम्परेचर किस से रिप्रेजेंट करते हैं, TIC। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2A अपॉन में RB। तो अगर तुम दोनों को कंपेयर करो TI और TB को, तो क्या आता है, तो TI इज इक्वल टू आता है, TI इक्वल टू क्या आता है, 2TB। तो TI इक्वल टू क्या आता है, 2TB। तो देखो जो ये टेम्परेचर हमारे निकल के आया था, ये थर्मोडायनेमिक्स से निकल के आया था, किससे, थर्मोडायनेमिक्स से निकल के आया था। जो ये दोनों टेम्परेचर निकल के आए थे, क्रिटिकल टेम्परेचर पता है ना भाई, टेम्परेचर अबव विच गैस कैन नॉट बी लिक्विफाई, तो ये बॉयस टेम्परेचर। तो ये दोनों टेम्परेचर किससे निकल के आए थे, गैसियस स्टेट से निकल के आए थे। तो इन दोनों में कंफ्यूजन मत होना कि TI क्या होता है और TB क्या होता है। बात समझ में आई। तो ये सारा कंसेप्ट था जूल थॉमसन कोफिशियंट का। अब इसमें याद करने की बातें क्या क्या है, तो याद करने की बातें देख लेते हैं कि इसमें याद करने की बातें क्या क्या हैं। तो एक पूरा का पूरा चार्ट बना देता हूं मैं, क्या पूरा का पूरा चार्ट बना देता हूं। पहला कि म्यूजेटी, म्यूजेटी ठीक है, दूसरा इफेक्ट। अगर म्यूजेटी क्या होगा, पॉजिटिव, तो कैसे इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा भाई, टी टू कैसा इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, कूलिंग इफेक्ट। कैसे इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, कूलिंग इफेक्ट। दूसरी बात, अगर ये क्या हो गया, नेगेटिव, तो कैसे इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, हीटिंग इफेक्ट। समझ में आई भाई, होता क्या है, म्यूजेटी इक्वल टू चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन प्रेशर, आइसोइंथैल्पी। बात समझ में आई। अगर तुमसे इस केस में ये भी पूछ सकता है कि डेल टी बाई डेल पी, तो मैं एक पहले ही बता चुका हूं कि जूल थॉमसन में हमेशा जो डी पी होता है इक्वल टू नेगेटिव होता है, वो हमेशा नेगेटिव ही लेना है, और एडियाबेटिक प्रोसेस होता है, क्यों इक्वल टू जीरो होता है, ठीक है। तो थर्ड केस आता है जीरो, अगर म्यूजेट इक्वल टू क्या हो जाए, जीरो, तो क्या इफेक्ट आता है, नो इफेक्ट। कैसे इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, नो इफेक्ट। अगर ऑर्डिनरी टेम्परेचर की बात करें, तो हाइड्रोजन और हीलियम जो एक गैस होती है, ये हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर थोड़ा और कम कर देते हैं, तो फिर ये कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। तो हमेशा जो रियल गैस होती है, ये कुछ ना कुछ इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन आइडियल केस में आते ही ये कुछ इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करती। तो अगर ऑर्डिनरी टेम्परेचर की बात करें, जैसे H2 और हीलियम जो एक गैस है, ये हमेशा क्या, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। तो यहाँ से जूल थॉमसन कोफिशिएंट से तीन चार टाइप के
यही क्वेश्चन बन सकते हैं, जो थॉमसन कोफिशिएंट पूछ सकते हैं क्या होता है, इसका एक्सप्रेशन पूछ सकते हैं क्या होता है, जो म्यूजिटिक एक्सप्रेशन थे, चार पांच एक्सप्रेशन तुम्हें बता दिए है कि क्या होता है आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस होता है, म्यूजिटिक वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो, फिर तीसरे केस में पूछ सकता है, तीसरे केस में टेम्परेचर इन्वर्जन टेम्परेचर से फॉर्मा देके इन्वर्जन टेम्परेचर पूछ सकता है, बॉयल टेम्परेचर्स और इन्वर्जन टेम्परेचर में कंपेयर आपको करवा सकता है। तो इतना जो ये सब था ये जूल थॉमसन कोफिशिएंट में था।